बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 और इसका लेक्चर नंबर 18 हम पढ़ेंगे। और उससे पहले कुछ मुझे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे इसके लेक्चर्स कितने होंगे, तो इसके लेक्चर्स जो हैं टोटल हमारे इस ऑर्डिनेंस के एक्सक्लूडिंग स्केड्यूल्स पे एक दो हमारे लेक्चर बन जाएंगे, तो वो 60 लेक्चर्स होंगे। और ये इंशाल्लाह जो है जो आ रहे हैं लेक्चर्स, तो आप इनको पूरे अगर कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर 18, ये सेक्शन 16 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इफ़ेक्ट ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर, कि जब कोर्ट ने डिसक्वालिफिकेशन का ऑर्डर दे दिया या जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसने डिसक्वालिफिकेशन का लेटर दे दिया उस बंदे को जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अगला लाइह अमल कैसे होगा। ए पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर इज़ मेड, एक बंदा जिसके खिलाफ ये डिसक्वालिफिकेशन का ऑर्डर दे दिया गया है अंडर दिस ऑर्डिनेंस, शैल बी डिबार टू द एक्सटेंट एंड फॉर दैट पीरियड स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर फ्राम होल्डिंग और ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस। तो जब उस बंदे पर पाबंदी लगा दी गई, डिसक्वालीफाई कर दिया गया स्पेसिफिक टाइम के लिए, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जो भी था, तो उस पीरियड के लिए वो डिबार हो जाएगा, मना है, वो नहीं रख सकता ड्राइविंग लाइसेंस। एंड द लाइसेंस इफ़ एनी हेल्ड बाई सच पर्सन ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर शैल बी सीज टू बी द इफेक्टिव ड्यूरिंग सच पीरियड, अगर उसके पास ऑलरेडी मौजूद है लाइसेंस, तो उस डेट को जब ये ऑर्डर दिया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सीज हो जाता है, वो इन इफेक्टिव हो जाता है, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसे कैप्चर कर लेगी, ले लेगी और अपनी कस्टडी में उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रख लेगी। सबसेक्शन 2, द ऑपरेशन ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 15 शैल नॉट बी सस्पेंडेड और पोस्टपोन्ड वाइल एन अपील इज पेंडिंग अगेंस्ट सच ऑर्डर और अगेंस्ट द कन्विक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ विच सच ऑर्डर इज मेड अनलेस द अपीलेट कोर्ट सो डायरेक्ट्स। तो बात इसमें ये कही गई है कि डिसक्वालिफिकेशन का जो पीरियड है, जो इस सेक्शन 15 के मुताबिक उसका जो पीरियड स्पेसिफाइड है 6 महीने का, और जब उसको नोटिस सर्व किया गया तो 1 महीने का उसके पास टाइम होता है कि वो अपील दायर करे, लेकिन जो ही ऑर्डर हुआ तो उसके बाद उसका कार्ड जो है लाइसेंसिंग जो लाइसेंस कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा और वो वैलिड नहीं रहेगा, शैल नॉट बी पोस्ट सस्पेंडेड और पोस्टपोन्डेड। तो उसकी ये जो पनिशमेंट है पोस्टपोन्ड नहीं की जाएगी, सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि उसने एप्लीकेशन दी हुई है या अपील की हुई है, पेंडिंग है जो कि सच ऑर्डर और अगेंस्ट द कन्विक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑर्डर इज मेड अनलेस द एपलेट कोर्ट सो डायरेक्ट। हाँ, एपलेट कोर्ट जो है वो उसकी अपील सुनने के बाद उसको अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ऑर्डर दे दे तो उसका कार्ड जो है रीएक्टिवेट हो जाएगा, अदरवाइज अपील करने की वजह से उसका कार्ड जो है वो जो है एक्टिव नहीं रहेगा, कि उसने अपील की हुई है अभी तक डिसीजन फाइनल नहीं आया तो इस वजह से उसको अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करने की इजाज़त दी जाए, ऐसा नहीं है। सबसेक्शन 3 है, एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर हैज़ बिन मेड फॉर पीरियड लॉन्गर देन 6 मंथ, कि अगर एक बंदा है उसका जो डिसक्वालिफिकेशन का ऑर्डर है वो 6 महीने से ज़्यादा है, मे एट एनी टाइम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, अगर उस पर पाबंदी 6 महीनों की थी और 6 महीने का टाइम गुजर चुका फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, यानी कि जब उसको ऑर्डर दिया गया और उसके 6 महीने के बाद, अप्लाई टू द कोर्ट, वो अदालत में जा सकता है अगर अदालत ने उसको डिसक्वालीफाई किया था, और अदर अथॉरिटी बाई विच द ऑर्डर वॉज मेड, या फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसने उसको ऑर्डर किया था कि तुम्हारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल है, उसको भी अप्रोच कर सकता है टू रिमूव द डिसक्वालिफिकेशन, और वो दरख्वास्त दे सकता है कि मेरी जो डिसक्वालिफिकेशन थी वो मैंने टाइम पूरा कर लिया, अब रिमूव कर दी जाए, हटा दी जाए। एंड द कोर्ट और अथॉरिटी, अगर अदालत है या फिर जो अथॉरिटी है जिसने कैंसिल किया था, जो भी केस हो, एज द केस मे बी, हैविंग रिगार्ड टू ऑल दी सर्कमस्टेंसेस ऑफ दीज रिमूव और वेरी दी ऑर्डर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, तो टाइम गुजरने के बाद वो अथॉरिटी या अदालत उसका टाइम जो पाबंदी का था या डिसक्वालिफिकेशन थी वो ख़त्म भी कर सकती है, या उसमें कुछ अमेंडमेंट भी कर सकती है अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती कि उसको क्वालिफाई कर दिया जाए या रिएक्टिव कर दिया जाए उसका ड्राइविंग लाइसेंस, तो मज़ीद भी उस पर पाबंदी बढ़ाई जा सकती है। बात यह है कि उसका सबब और वजह उनको जस्टिफाई करनी पड़ेगी, और जो
एक्यूज्ड है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि अब वो हालात नहीं है जिस वजह से उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल हुआ था। तो दोनों की जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि वो डिसक्वालिफिकेशन का टाइम पीरियड अब ख़त्म होने के बाद उसको क्वालिफाई कर दिया जाता है या उसको पाबंदी को मज़ीद बढ़ा दिया जाता है। प्रोवाइडेड दैट शर्त भी है कि वेयर एन एप्लीकेशन हैज़ बिन मेड अंडर दिस सेक्शन कि एप्लीकेशन दी गई थी इस तो ए सेकेंड एप्लीकेशन देयर अंडर शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर उसने एप्लीकेशन दी थी तो अब उस पर अभी तक डिसीजन नहीं आया तो वो दोबारा वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ। लेकिन उसको 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा कि उसने एप्लीकेशन दी थी, अब उस पर वो कोर्ट डिसाइड करती है या एप्लीट ट्राइब्यूनल जो है वो डिसाइड करती है या जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो डिसाइड करती है, तो उसको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।